हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेज आज हम देखने वाले हैं। मैं आपको बताता जाऊंगा, साथ साथ आपके याद भी हो जाएंगे। वीडियो देखते देखते याद होंगे। ट्रिक के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। आपके पटवारी की बात कर लो, ग्राम सेवक की बात कर लो, हाईकोर्ट के एग्ज़ाम की बात कर लो, काफ़ी एग्ज़ाम है जहाँ पर ईडियम फ्रेजेज सीधी सीधी पूछी जाती हैं। तो ट्रिक के साथ बताऊँगा, आपके वीडियो देखते देखते याद भी हो जाएंगे। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। डेनिल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ और अच्छे से आप देख लेना। अभी बताऊँ, उसको अच्छे से देख के चलना ताकि यहीं आपके सारा सब कुछ याद भी हो जाए। और दोस्तों, भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज को लेकर। कुछ स्टूडेंट थे वो ऑफर में परचेज नहीं कर पाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपके लिए ही आज नवरात्रा पर ये ऑफर रहेगा। आज नवरात्रा पर अगर आपने ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी, संपूर्ण राजस्थान की टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी, तो आप परचेज कर लें। आज के लिए वापस आपकी डिमांड पर ऑफर चला रहा हूँ, आपको केवल 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो अगर नहीं परचेज किया तो आज ही परचेज कर लें। तो चलिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेज देख लेते हैं। पहला है गेट इंटू हॉट वाटर। गेट इंटू हॉट वाटर, अगर आप गरम गरम पानी में जाओगे तो क्या होगा, मुसीबत में पड़ोगे। गेट इंटू हॉट वाटर, गेट इंटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना, उसको बोलते हैं गरम गरम पानी में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाना, टू गेट इंटू ट्रबल। एग्जाम्पल की बात करेंगे, इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल गेट इंटू हॉट वाटर। आपकी स्टडी का टाइम है, अगर अब भी नहीं पढ़ोगे तो आप यू विल गेट इंटू हॉट वाटर। ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एग्ज़ाम में सही हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप। अगला है ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन हम बोलते हैं झगड़े को। ए बोन, हड्डी, जैसे दो कुत्ते लड़ाई करते रहते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े का कारण क्या होता है, बोन होती है, हड्डी होती है। तो इसका हो जाएगा द सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, झगड़े का कारण, झगड़े का विवाद। माई न्यू कार इज़ ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस, जो मैं नई कार लेकर आ गया वही हम दोनों के बीच में झगड़े का कारण है, बोन ऑफ कंटेंशन है। अगला है टू ब्रेक द आइस। आइस हम बोलते हैं बर्फ, टू ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना, इंग्लिश में इसको बोला जाता है चुप्पी को तोड़ना। जैसे कन्वर्सेशन चल रहा है, हम काफ़ी लोग बैठे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा, बात नहीं कर रहा, तो ब्रेक द आइस, कौन चुप्पी को तोड़ेगा, हु विल ब्रेक द आइस, तो इसका मतलब होता है चुप्पी को तोड़ना, बातचीत स्टार्ट करना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विद समवन। आई ट्राइड टू ब्रेक द आइस बाई टॉकिंग टू हिम अगेंस्ट करप्शन, मैंने कोशिश की कि मैं चुप्पी को तोड़ सकूं करप्शन के बारे में बात करके। थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे एग्ज़ाम में सही हो जाएगा। अब रटने बैठोगे, रटने से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ, याद हो जाएगा। अगला है ऑन द ब्लिंक। ब्लिंक हम बोलते हैं झपकी को। जैसे आपने देखा होगा, पहले जो ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे वो कई बार झपकी मारते थे, तो झपकी मारने का मतलब वो ख़राब हो जाते थे, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते थे। तो ऑन द ब्लिंक का मतलब होता है ख़राब हो जाना, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना। द टीवी इज़ ऑन द ब्लिंक। आउट ऑफ ऑर्डर इंग्लिश में बोला जाता है, जैसे कोई भी मशीन होती है वो ख़राब हो जाती है, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। द टीवी इज़ ऑन द ब्लिंक, इसका मतलब हो गया टीवी आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, ख़राब हो गया। ब्लिंक का मतलब झपकी मारना होता है, उससे यहाँ पर थोड़ा समझ जाना। अगला है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड, ऐसे मानो कि बोर्ड के ऊपर ही लिख दिया, इसका मतलब ऑनेस्ट है, लीगल है, क्लियर है, किसी ने बोर्ड के ऊपर ही लिख दिया, ऑनेस्ट है, लीगल है, क्लियर है। दिस अग्रीमेंट इज़ ऑन द बोर्ड, दिस अग्रीमेंट इज़ ऑन द बोर्ड, ऑनेस्ट है, लीगल है, क्लियर है, ऑन द बोर्ड है। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, आँखों का तारा, प्यारा, दुलारा, फेवरेट किसी का होता है, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। जैसे माई स्टूडेंट्स आर एप्पल ऑफ माई आई, माई स्टूडेंट्स आर एप्पल ऑफ माई आई, आप भी कोई सेंटेंस बना सकते हो, यू आर एप्पल ऑफ माई आई, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, बस मीनिंग देखना क्या मतलब हो सकता है, थोड़ी सी ट्रिक लगाना सही हो जाएगा आपका। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड हम बोलते हैं झगड़े को, मतलब झगड़े का कारण, विवाद का कारण। ए सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन एंड एनवी, झगड़े या विवाद का कारण, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एक होता है एप्पल पाई ऑर्डर,
एप्पल पाई ऑर्डर, ऐसे ध्यान रखना, एप्पल्स हैं उनको ऑर्डर से जमाना, उसको क्या बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब सब कुछ परफेक्ट तरीके से जमाना एप्पल पाई ऑर्डर होता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, विवाद का कारण। अगला है एट डेगर्स ड्रोन, एट डेगर्स, डेगर्स किसको बोलते हैं, खंजर को बोलते हैं, तो किसी के अंदर खंजर घोप देना मतलब उसे शत्रुता ले लेना, एट डेगर्स ड्रोन, शत्रुता हो जाना, टू बी एनिमीज, दे आर एट डेगर्स ड्रोन, उन दोनों के बीच शत्रुता है, डेगर्स ड्रोन है। अगला है एट ए लॉस, एट ए लॉस, किसी के घाटा हो जाता है, नुकसान होता है तो वो पजल्ड हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, तो एट ए लॉस का मतलब होता है पजल्ड हो जाना, कन्फ्यूज हो जाना। आई एम एट ए लॉस अबाउट स्टडी, मतलब मैं स्टडी को लेकर एट ए लॉस हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी आएगा तो सीधा सीधा आएगा, अगर आपको ईडीएम आती है तो आप सही कर लोगे उसको, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना। एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस, एक तो हमने देखा था कि एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, सब कुछ जितने भी सेव हैं वो ऑर्डर से पड़ी हुई हैं, मतलब सब कुछ परफेक्ट है। एक है सिक्सेस एंड सेवंस, छः एप्पल इधर पड़ी हैं, सात एप्पल उधर पड़ी हैं, सब कुछ अस्व्यस्त पड़ा है, डिसऑर्डर में पड़ा है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन। एग्जाम्पल की बात करें, द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड, मतलब बाढ़ आई, बाढ़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑल द रोड साइंस, जितने भी रोड पे सिग्नल्स थे, साइंस थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, लीविंग ड्राइवर्स एट सिक्सेस एंड सेवंस, अब जो गाड़ियां हैं इधर से भी जा रही हैं उधर से भी जा रही हैं, कोई रोड साइन नहीं बचे हैं, सिक्सेस एंड सेवंस हो गए, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गए। फ्लड हम बाढ़ को बोलते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर, अभी मैंने आपको बताया था एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट होना, सही तरीके से होना। When I opened the freeze, everything was in apple pie order. फ्रीज को खोला तब सब कुछ एप्पल पाई ऑर्डर था, सिक्सेस एंड सेवंस नहीं था, मतलब अस्त व्यस्त नहीं था, एप्पल पाई ऑर्डर था। अगला है एट स्टेक, एट स्टेक, दाव पर होना, रिस्क पर होना, जैसे अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ कहीं पे होगी, दाव पर होगी, रिस्क पर होगी, एट स्टेक होगी। आर फ्यूचर इज एट स्टेक, हमारा फ्यूचर क्या है, स्टेक पर है, दाव पर है, तो एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर होना, रिस्क पर होना। ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू, पक्षी देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, हाई एंगल से देखते हैं, सरसरी निगाहों से देखते हैं, उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। कैन यू गिव मी ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्लेन, आपके पास जो प्लेन है उसको मेरे को थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू दे दो, सरसरी निगाहों से ऊपर ऊपर से बता दो क्या करना है इसके बारे में, उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। ए लेम एक्सक्यूज, जैसे कई लोग होते हैं झूठे बहाने बनाते रहते हैं, पढ़ना उनको है नहीं, बस झूठे बहाने बनाएंगे कि मैं इस कारण नहीं पढ़ पा रहा, इस कारण ये काम नहीं कर पा रहा, तो उसको बोलते हैं लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। ए फॉल्स एक्सक्यूज, डोंट गिव मी ए लेम एक्सक्यूज, साथ साथ एग्जाम्पल जरूर याद रखना, इससे फ़ायदा क्या होगा, एग्ज़ाम में आपके एग्जाम्पल याद आ गया तो आपके ईडियम्स भी याद आ जाएगी, तो ध्यान रखना इसके साथ साथ एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर याद रखना आप, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स, लेटर किसके पास रहेंगे, जो विद्वान व्यक्ति होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद की बात करें तो वो क्या है, ए मैन ऑफ लेटर्स हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट लिटरेचर, मतलब विद्वान व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, यू आर ए मैन ऑफ लेटर्स, अगर आप पढ़ाई करोगे अच्छे से स्टडी करोगे तो आप क्या होगे, मैन ऑफ लेटर्स होगे, विद्वान हो जाओगे। ए मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ स्ट्रो, ऐसे ध्यान रखना कि कोई आदमी है वो पूरे दिन भर स्ट्रो लेकर रखता है, कभी जूस पीता रहता है कभी क्या पीता रहता है, उसको बोलते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रो, मतलब ए पर्सन ऑफ लिटिल सब्सटेंस, जिसका कोई अता पता नहीं हो, कुछ भी कर रहा हो। ही इज़ ईजिली कंट्रोल्ड बाई अदर्स सो वी थिंक ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रो। एन आयरन विल, आयरन की बात करेंगे, जहाँ पर भी बात होगी वहाँ पर स्ट्रोंग का प्रतीक होगा, तो एन आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रोंग विल पावर होना, आयरन विल, स्ट्रोंग विल पावर। ए वेल रेस्पेक्टेड मैन विथ आयरन विल। एन ओल्ड फ्लेम,
एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है फॉर्मर लवर, पुराना प्यार, जैसे बोल सकते हैं शी इज़ माई ओल्ड फ्लेम, ही इज़ माई ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार को बोलते हैं ओल्ड फ्लेम, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना आपको। एट लार्ज, एट लार्ज, ऐसे मान लो कई कैदी हैं, वो जेल में हैं, अब वो जेल में नहीं है, जेल से फरार हो गए, तो अब वो क्या हैं, वो एट लार्ज हैं, एट लार्ज मतलब कस्टडी में नहीं रहना। टू बी फ्री नॉट इन कस्टडी। द एस्केप्ड प्रिजनर्स, जो भागे हुए प्रिजनर्स हैं, आर स्टिल एट लार्ज, अभी तक भी वो पकड़ में नहीं आए, अभी तक एट लार्ज हैं। अगला है बिग फिश। बिग फिश किसको बोलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होता है उसको हम बिग फिश बोलते हैं, मोदी इज़ ए बिग फिश। खुद एग्जाम्पल जितने ज़्यादा बनाओगे उतने ज़्यादा सीखोगे। बिग फिश आप खुद भी जैसे रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो, किसी के बारे में बोल सकते हो, जैसे आपका कोई फ्रेंड है बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला है, तो आप बोल सकते हो माई फ्रेंड इज़ ए बिग फिश। तो इनको जितना हो सके रियल लाइफ में यूज करने की कोशिश करना, ज़्यादा सीखोगे। बिग गन, बिग गन, इम्पोर्टेंट पर्सन, पावरफुल पर्सन, उसको बोलते हैं बिग गन। ही इज़ ए बिग गन इन पॉलिटिक्स, जैसे कोई पॉलिटिक्स में बिग गन होता है उसको बोलेंगे ही इज़ ए बिग गन। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप किसको बोलते हैं, जहाँ ब्लैक आ जाएगा वो किसी ना किसी बुराई का ही प्रतीक होगा, ब्लैक शिप। जैसे हमारे परिवार में भी कोई ना कोई ब्लैक शिप ज़रूर होगा, हमारे जो परिवार है, रिश्तेदार हैं, कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो इधर की बातें उधर करता है, इसकी बुराई उसके सामने करता है, हर परिवार में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है। ब्लैक शिप का मतलब हो गया ए बैड पर्सन स्पेशली इन अ फैमिली, ही इज़ ए ब्लैक शिप इन माई फैमिली, ही इज़ ए ब्लैक शिप इन माई फैमिली, इस तरह से सेंटेंस बनाना। ब्लैक शिप काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से करके जाना इसको। अगला है बुल इन ए चाइना शॉप, बुल इन ए चाइना शॉप, ए पर्सन हु ब्रेक्स थिंग्स और हु ऑफन मेक्स मिस्टेक, बार बार गलतियां करता हो, समझदारी नहीं दिखाता हो, उसको बोलते हैं बुल इन ए चाइना शॉप। ही बिहेव्ड लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप, एग्जाम्पल साथ साथ करके चलना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, सारा सब कुछ सही चल रहा है, अचानक क्या हो गया, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हो गया, मतलब अचानक से कोई मुसीबत आ गई, आपदा आ गई, उसको बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। समथिंग अनयूजुअल हैपन सडनली, कुछ अचानक हो जाता है, अचानक झटका लग गया, उसको बोलेंगे इट केम एज ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इन 2020। जैसे कोरोना आ गया तो क्या हो गया, अचानक बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हो गया। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, कुछ लोग होते हैं थोड़े टाइम के लिए स्टडी करेंगे वापस छोड़ देंगे, वापस करेंगे वापस छोड़ देंगे, उसको बोलेंगे बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब जो रेगुलर तरीके से स्टडी नहीं करेंगे उसको बोलते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। द रेडियो वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, जैसे कई बार हम रेडियो चलाते हैं, बंद हो गया वापस चल गया, बंद हो गया वापस चल गया, उसको क्या बोलेंगे बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अकिलीज हिल, अकिलीज हिल, किसी का कमज़ोर पॉइंट होना, वीक पॉइंट होना, जैसे अकिलीज नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत पावरफुल था लेकिन उसकी जो एडी थी वो उसका कमज़ोर पॉइंट था, वो उसका अकिलीज हिल था। अकिलीज हिल का मतलब कमज़ोर पॉइंट होना, सबका कुछ ना कुछ कमज़ोर पॉइंट ज़रूर होता है। दो ही वॉज ए गुड पर्सन ही शॉर्ट टेम्पर वॉज हिज अकिलीज हिल, उसका जो शॉर्ट टेम्पर है वो उसका अकिलीज हिल था, कमज़ोर पॉइंट था। अगला है बियर फ्रूट, बियर फ्रूट फल, फल अच्छाई का प्रतीक होते हैं, बियर फ्रूट फल को सहना मतलब सक्सेसफुल हो जाना, कोई आपको फ्रूट कब देगा, मिठाई कब देगा, फ्रूट कब देगा, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बियर फ्रूट का मतलब होता है सक्सेसफुल हो जाना। इफ़ यू स्टडी यू विल बियर फ्रूट, आप स्टडी करोगे आपकी जॉब लग जाएगी तो आप बियर फ्रूट हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग, बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग, टू पुट अप विद द वर्स्ट ऑफ एनी हार्डशिप, बुरे से बुरा कोई चीज़ सहन करना, उसको बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग। पुट अप विद का मतलब बर्दाश्त करना होता है, पुट अप विद एक साथ आता है, पुट अप विद मतलब बर्दाश्त करना, जैसे कई बार बोलते हैं ना आई कांट पुट अप विद यू, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग का मतलब हो जाएगा टू पुट अप विद द वर्स्ट ऑफ एनी हार्डशिप।
हर सन्स बोर द ब्रंट ऑफ हर एंगर, उसको गुस्सा आया तो उसने अपने पुत्रों पर गुस्सा निकाला। बैड ब्लड, बैड ब्लड बुरा खून, शत्रुता, किसी से शत्रुता रखना उसको बोलते हैं बैड ब्लड। अनफ्रेंडली एंड होस्टाइल रिलेशंस, देर इज़ अ बैड ब्लड बिटवीन देम, उनके बीच में शत्रुता है, बैड ब्लड है। इनको अच्छे से करके जाना, अच्छे से देखना, वीडियो एक बार और देख लेना ताकि अच्छे से याद हो जाए, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी काम आएंगे। ईडीएम से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, अगर आपने एक बार अच्छे से देख लिया एग्ज़ाम में सही हो जाएगी, तो कोशिश करना अच्छे से देखो ताकि एग्ज़ाम में सही हो, आपके नंबर आए, आपका सिलेक्शन हो। बेटर हाफ, बेटर हाफ किसको बोलते हैं, वाइफ को बेटर हाफ बोला जाता है, वाइफ को बेटर हाफ बोलते हैं। माई बेटर हाफ ऑलवेज सपोर्ट्स मी, हमेशा मेरा सपोर्ट करती है, बेटर हाफ स्पाउस या वाइफ को बोलते हैं। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, जैसे ब्लैक क्या होता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये वाइट है और ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ब्लैक हैं, मतलब सब कुछ राइटिंग में है, ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, इन स्पष्ट। जैसे कई बार हम बात भी करते हैं कि उससे पंगा मत लेना, वो तो ब्लैक एंड वाइट में बात करेगा, मतलब लिखित में बात करेगा। शी टॉक्स इन ब्लैक एंड वाइट, शी टॉक्स इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब वो लिखित में बात करेगी, ऐसे बोलते हैं ना स्टाम्प पे लिख के दे दूँ क्या, तो उसे हम ब्लैक एंड वाइट बोल सकते हैं। बैग एंड बैगेज, बैग अपना थैला, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर समेत, सब कुछ एक साथ लाकर, बोरिया बिस्तर समेत। ऑल ऑफ वंस बिलोंगिंग्स, कम्प्लीटली सारा सब कुछ एक साथ लाकर। वेन ही क्विट हिज जॉब, जब उसने अपनी जॉब छोड़ दी, ही वॉकड आउट बैग एंड बैगेज, पूरा बोरिया बिस्तर समेत सब कुछ आ गया लेकर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसे लोग, जो जैसे मान लो घूम रहे हैं तो एक जैसे ही लोग मिलेंगे उनको, घूमने वाले लोग ही मिलेंगे, पढ़ने वाले लोग हैं तो उनको अपने जैसे लोग ही मिलेंगे, तो उनको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। पीपल ऑफ द सेम इंटरेस्ट विल बी फाउंड टुगेदर, साथी हैं जो साथ एक साथ ही रहेंगे, कोई सिगरेट पीने वाला है तो उसका दोस्त अपने आप सिगरेट पीने वाला ही बनेगा, स्टडी वाला है तो अपने आप अपने जैसा दोस्त ढूंढ लेगा। दे डेली कम इन द गार्डन फॉर इंजॉय, दे आर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, एक ही प्रवृत्ति के वो लोग हैं। बीट ब्लैक एंड ब्लू, किसको मारना, उसका चेहरा ब्लैक कर देना, ब्लू कर देना, पूरा नीला कर देना, मतलब बुरी तरह किसी को मारना, बुरी तरह पीटना। टू बीट मर्सीलेसली, टू बीट मर्सीलेसली बुरी तरह उसको मारना। द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाई द पीपल कॉट हिम, जिन लोगों ने चोर को पकड़ा उन्होंने उसको ब्लैक एंड ब्लू मारा, बुरी तरह पीटा उसको। ब्रिंग समवन टू बुक, ब्रिंग समवन टू बुक, जैसे किसी को सजा दी जाती है, कोई कैदी है किसी ने अपराध कर दिया उसको सजा दी जाती है, तो सजा कैसे देते हैं, उसको ब्रिंग लाया जाता है, बुक में लाया जाता है, ब्रिंग समवन इन बुक बोलते हैं उसको। टू पनिश समवन, द मर्डरर विल बी फाउंड एंड ब्रोट टू बुक, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म हो गई ब्रोट, इसलिए ब्रोट टू बुक आया है, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट। कोप विद, कोप विद जो भी कोई नई डील होती है, जैसे नई डील होगी तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा कोप विद, डील विद, किसी देश के साथ भी हमने डील की तो कोप विद इंग्लैंड, कोप विद ऑस्ट्रेलिया, मतलब उसके साथ डील की है। आई डोंट थिंक आई कैन कोप विद एनी मोर ट्रबल, अगला है कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक, कैरेट का मतलब क्या होता है, गाजर, एंड स्टिक छड़ी, मतलब किसी को गाजर भी खिलाना उसको छड़ी भी देना, मतलब उसका सम्मान भी करना उसको पनिशमेंट भी देना। यूज ऑफ बोथ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू इंड्यूस बिहेवियर, शी यूज टू कैरेट एंड स्टिक मेथड टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल, मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी होती है, अच्छा कार्य होगा तो आपको सम्मान दिया जाएगा, गलत करोगे तो पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अगला है कॉल ए स्पेड ए स्पेड, कॉल ए स्पेड ए स्पेड, जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं, देखो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मैं तो सारी बातें मुंह पे बोलता हूँ, तो उसको बोलते हैं आई कॉल ए स्पेड ए स्पेड,
मैं तो सारी बातें मुंह पर ही बोलता हूँ, उसको बोला जाता है। इलेवंथ आर मतलब आपने पूरी साल स्टडी नहीं की, अब एग्ज़ाम टाइम आ गया, अब तो आपको ऐसे लग रहा है यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप जो स्टडी करोगे वो कब करोगे? इलेवंथ आर में करोगे, लास्ट मोमेंट में करोगे, उसी को बोला जाता है इलेवंथ आर। एट लास्ट मोमेंट ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क एट इलेवंथ आर, मतलब उसको डर था अगर अब होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तो उसने जो कंप्लीट किया वो कब किया? इलेवंथ आर में किया, लास्ट पॉसिबल मोमेंट में किया। ईट हम्बल पाई आपने कोई गलती कर दी उसके लिए माफ़ी मांगना, उसको बोलते हैं ईट हम्बल पाई। ही वॉज फोर्स्ड टू ईट हम्बल पाई एंड पब्लिकली अपोलोजाइज टू हर। ग्रीस समवन पाम किसी के हाथ में ग्रीस लगाना, मतलब उसको रिश्वत देना, ब्राइब को रिश्वत देना दिया जाता है। ऐसे ध्यान रखना कि पैसों का हाथ में ग्रीस लगा रहा है, उसको रिश्वत दी जा रही है। टू ब्राइब, ब्राइब हम रिश्वत को बोलते हैं। ही ग्रीस्ड हिज पाम एंड गोट द गन, उसने पैसे दिए, उसको रिश्वत दी और गन प्राप्त कर ली। ह्यू एंड क्राई रेज अलार्म, ह्यू एंड क्राई का मतलब हो जाएगा रेज अलार्म। द वर्कर्स रेज्ड ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द न्यू रूल, नया रूल आ गया, खूब हो हल्ला किया वर्कर्स ने। हार्ड नट टू क्रेक, हार्ड नट, नट वैसे अखरोट को बोला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नट है उसको तोड़ा ही नहीं जा रहा, उसको बोलेंगे हार्ड नट टू क्रेक, तोड़ने में ही जो नहीं आ रहा। जैसे RAS का एग्ज़ाम है, आप बोल सकते हो हार्ड नट टू क्रेक है, पास करना थोड़ा कठिन है, उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रेक। ए प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सोल्व, गेटिंग पास्ट RAS एग्ज़ाम इज हार्ड नट टू क्रेक। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, नेल कील को बोला जाता है, मतलब कील के आप सर पर मारोगे तो कील अच्छी तरीके से सही हो जाएगी। हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, एकदम सही तरीके से काम करना। यू हैव फाउंड द प्रॉब्लम, यू हिट द नेल ऑन द हेड, उसके एकदम सही जगह पे मारना, परफेक्ट जगह पर मारना। जैसे आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गए तो भी बोला जा सकता है यू हिट द नेल ऑन द हेड, आपने एकदम सही जगह परफेक्ट जगह काम किया है। इन लियू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, हम जो बोलते हैं हिंदी में उसको बोलते हैं इन लियू ऑफ। ही टू कैश इन लियू ऑफ द प्राइज ही हैड वॉन, तो उसने प्राइज जीता था उसके बदले में उसने कैश ले लिया था। इन कोल्ड ब्लड क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लड। ही हैड किल्ड देम इन कोल्ड ब्लड, कोई भी दया भावना नहीं रखना, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लड। इन ए फिक्स जैसे कई बार हमारे साथ भी हो जाता है, हम तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी लगता है यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, डर सा रहता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं हम, तब हम बोलते हैं आई एम इन ए फिक्स, मतलब आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम इन ए डिलेमा, इसको डिलेमा भी बोला जाता है। आई एम इन ए फिक्स, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम इन डिलेमा। ही वॉज रियली इन ए फिक्स वेन ही मिस द प्लेन, उसने जब प्लेन मिस कर दी तो वो कन्फ्यूज था, डिलेमा में था, इन ए फिक्स था। इन ए नटशेल मतलब ब्रीफ में बता दो, जैसे कई बार हम किसी को बोलते हैं ले मैं तेरे को पूरी बात बताता हूँ, तो सामने वाला क्या बोलता है, मेरे को पूरी बात नहीं जाननी, मेरे को नटशेल में बता दो, सार बता दो इसको, जो मोटी मोटी बात है वो बता दो मैं समझ जाऊँगा, तो उसको बोलते हैं इन ए ब्रीफ, इन ए नटशेल। टेल मी द स्टोरी इन नटशेल। जुडास किस होता है फॉल्स लव, झूठा प्यार, उसको बोलते हैं जुडास किस। ही किस्ड हिम विद जुडास किस। किक द बकेट किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बोला जाता है किक द बकेट, इसको पास अवे भी बोला जाता है, किसी की डेथ होगी तो आप बोल सकते हैं ही पास्ड अवे, ही किक द बकेट,
ही किक्ड द बकेट भी उसको बोला जा सकता है। लास्ट नाइट हिज ग्रैंड मदर किक्ड द बकेट, मतलब उनकी डेथ हो गई। किथ एंड किन जितने भी परिवार वाले, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सब कुछ उसको बोलते हैं किथ एंड किन। दे आर माई किथ एंड किन, ये सारे सब कुछ मेरे परिवार के लोग हैं, भाई बंधु जिसको हम बोलते हैं। लिव इन द लर्ट्स, कभी भी अपने दोस्तों को लर्ट्स में ना छोड़ो। डोंट लिव योर फ्रेंड इन लर्ट्स, मुसीबत में छोड़ना, तो किसी का कभी भी मुसीबत में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट लिव योर फ्रेंड इन लर्ट्स, मुसीबत में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मिडास टच, जैसे कई के लोग आपने देखा होगा वो कुछ भी करते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मिडास टच उसको बोला जाता है। द एबिलिटी टू मच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, सम पीपल हैव द टैलेंट ऑफ मिडास टच। नल एंड वॉइड, जैसे कोई भी रूल है वो अब क्या है, नल एंड वॉइड है, इनवैलिड है। नल एंड वॉइड का मतलब इनवैलिड, काफ़ी बार रिपीटेड है, नल एंड वॉइड, इनवैलिड। द इलेक्शंस वर डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, इलेक्शंस को इनवैलिड घोषित कर दिया गया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। नट्स एंड बोल्ट्स मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसेशनल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी चीज़ें हैं, उनको बोलते हैं नट्स एंड बोल्ट्स। ही इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ सिलेबस, मतलब पूरा सिलेबस एकदम इसेशनल डिटेल सिलेबस के बारे में। वैसे आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले सिलेबस ही देखना चाहिए, सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, पिछले साल क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार क्या क्या पूछे जा सकते हैं, पिछले साल जो जो पेपर हुए हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह तैयारी की जाती है। नैरो स्केप, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना यार बाल बाल बच गया आज, तो उसको बोलते हैं नैरो स्केप, बाल बाल बच जाना, थोड़ा सा बच जाना। टू बी सेव विद डिफ़िकल्टी, ही हैड ए नैरो स्केप फ्रॉम गन फायर, मतलब बाल बाल वो बच गया। नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बच जाना। ऑन द वर्ज ऑफ, हिंदी में हम बोलते हैं ना के आगमन पर, उसके आगमन पर, इंग्लिश में बोला जाता है ऑन द वर्ज ऑफ। द चाइल्ड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, मतलब बच्चा रोने ही वाला था। द चाइल्ड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। ऑन एंड ऑन है, वापस ऑन है, मतलब कंटिन्यूसली है, लगातार चल रहा है, ऑन एंड ऑन। अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी बोल रहे हो तो यू आर स्टडिंग ऑन एंड ऑन। ही इज स्टडिंग ऑन एंड ऑन। पुट अप विद, पहले भी मैंने आपको बताया था, पुट अप विद किसी को बर्दाश्त करना, जैसे आई कांट पुट अप विद यू, तो उसको बोलते हैं मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगला है पेंडोराज बॉक्स, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे मिलने गए, आपने बोला और भाई क्या हाल है, तो वो आपको बोलता है पूछ ही मत क्या हाल है, आपको इतनी सारी बातें बताता है, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। आप भी कुछ सोचोगे यार मैंने इसे क्यों ही पूछा क्या हाल है, आफत की पुड़िया ही खोल दी इसने तो, मतलब जितनी भी समस्याएं हैं दुनिया की सारी इसी के ऊपर हैं, इस तरह से वो आपको बता रहा है। तो आप भी सोचोगे आपने पेंडोरा ही बॉक्स खोल दिया कि आफत की पुड़िया ही आज तो मैंने मोल ले ली। तो पेंडोराज बॉक्स का मतलब हो गया टू कॉज मैनी ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स। When I asked Naveen about his problems, I didn't know I had opened Pandora's box. मैंने नवीन को पूछा क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसने इतनी समस्या बताई कि मेरे को लगा इसने तो पेंडोरा बॉक्स ही खोल दिया, आफत की पुड़िया ही सारा सब कुछ इसने बता दिया। प्रोस एंड कॉन्स होता है, जब हम बोलते हैं ना एक ही सिक्के के दो पहलू, उसको बोला जाता है प्रोस एंड कॉन्स। आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, हैव यू थॉट ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द न्यू स्कीम, जो आपने न्यू स्कीम है उसके बारे में ढंग से सोचा है क्या, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, सारा सब कुछ इसके बारे में देखा है क्या, उसको बोलते हैं प्रोस एंड कॉन्स। पास अवे, अभी मैंने आपको बताया था पास अवे, हमने क्या देखा था, किक द बकेट देखा था, मतलब टू डाई, किक द बकेट बोल दो या पास अवे बोल दो।
हिज फादर पास्ड अवे इन अ रोड एक्सीडेंट। रेनी डे का मतलब होता है मुसीबत के दिन। जैसे मान लो आपने खूब सारी फसल उगा रखी है, अब क्या हो गया, रेनी डे आ गया, खूब सारी बरसात आ गई, तो फसल पूरी ख़राब हो जाएगी, तो आपके लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट टाइम आ जाएगा। तो रेनी डे का मतलब होता है डिफ़िकल्ट डे। जैसे आपको अभी सेविंग करनी चाहिए, कुछ सेविंग रखनी चाहिए, रेनी डे में आपके काम आ जाएगी, जो मुसीबत के दिन है तब आपके काम आ जाएगी। यू शुड सेव मनी फॉर ए रेनी डे। कभी भी मुसीबत आएगी तो आप सेव रखोगे तो आपके काम आएगी। कैट्स एंड डॉग्स मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछी जाती है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात होना, बरसात रुकना ही ना, मूसलाधार बरसात जिसको हम बोलते हैं उसे इंग्लिश में कैट्स एंड डॉग्स बोला जाता है। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स व्हेन द मॉनसून कम्स इन इंडिया। अगला है रीड बिटवीन द लाइंस केयरफुली तरीके से, अच्छे तरीके से किसी चीज़ को देखना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जब स्टडी करते हैं ऊपर से सारा सब कुछ पढ़ लिया, एग्ज़ाम तक सब कुछ साफ। कुछ लोग क्या करते हैं, ढंग से पढ़ के जाते हैं, तरीके से पढ़ के जाते हैं, उनको आप पेज भी पूछोगे कौन से पेज पर ये लिखा हुआ है वो भी आपको बता देंगे। तो उसको बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस, अच्छे से करना किसी चीज़ को, हिडन मीनिंग है उसको भी समझना। शी सेड शी कुड अफोर्ड इट बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई डोंट थिंक शी हैज़ इनफ मनी। अगला है रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। अगर आप नौकरी लग गए, आपका रिजल्ट आ गया, तो वो जब रिजल्ट आया है वो दिन आपके लिए कौन सा होगा, रेड लेटर डे होगा, वेरी इंपॉर्टेंट डे होगा। ये मान लो रेड लेटर में आपके पास लिखा हुआ आएगा, आप नौकरी लग गए तो आपके लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा। टुडे इज अ रेड लेटर डे फॉर मी। स्पिल द बीन्स मतलब भेद खोल देना, राज बता देना, स्पिल द बीन्स उसको बोला जाता है। टू रिवील द सीक्रेट, रिवील का मतलब होता है राज खोल देना, बता देना, रिवील कर देना, खुलासा कर देना। आई विल नॉट स्पिल द बीन्स मतलब मैं तुम्हारा राज नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट स्पिल द बीन्स उसको बोला जाएगा। अगला है टॉक ऑफ द टाउन क्या है, जैसे टॉक ऑफ द टाउन का मतलब हो जाता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, चर्चा का विषय रहता है, उसको बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन। व्हेन आई गोट ए गवर्नमेंट जॉब आई वॉज टॉक ऑफ द टाउन, जब नौकरी लग गई तो हम क्या हो गए, चर्चा का विषय हो गए, टॉक ऑफ द टाउन हो गए। अगला है टेक आफ्टर किसी में मिलना, सेम डिट्टो उसी का जैसे लगना। जैसे हम कई बार बोलते हैं इसकी शक्ल तो सेम डिट्टो इसके पापा में मिलती है, पापा जैसा ही लगता है, रिजेंबल भी उसको बोला जाता है। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल, सेम डिट्टो उसी के जैसा दिखना। योर डॉटर डजंट टेक आफ्टर यू, तुम्हारी डॉटर तुम्हें नहीं मिलती, अगर मिलती है तो योर डॉटर टेक्स आफ्टर यू मतलब तुम्हारे जैसी ही दिखती है, इस तरह से आप बोल सकते हो। टूथ एंड नेल दांत, नेल नाखून, जैसे कई बार हम करते हैं ना पूरे ऐसे जी जान लगा देंगे एग्ज़ाम पास करते ही हैं, तो कई बार हम करते भी ऐसे पूरे एकदम जी जान लगा देंगे एग्ज़ाम पास करेंगे, उसको बोलते हैं पूरी एनर्जी के साथ, टूथ एंड नेल के साथ, विथ ऑल वंस एनर्जी देवर फाइटिंग टूथ एंड नेल पूरी तरह अच्छे तरीके से। अब आपका भी एग्ज़ाम है तो आप जो स्टडी कर रहे हो एकदम टूथ एंड नेल करो, एकदम तरीके से फुल एनर्जी के साथ, ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। अंडर द टेबल ग्रीस समवन पाम, अंडर द टेबल किसी को घूस देना, ब्राइब देना, देर इज समथिंग अंडर द टेबल। अगला व्हाइट एलिफेंट अब ये जो व्हाइट एलिफेंट है ये थाईलैंड में पाए जाते हैं, सफ़ेद हाथी होते हैं थाईलैंड में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई काम के नहीं होते, उसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट, खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा, काम का कोई नहीं है। जैसे कई लोग क्या करते हैं 1.5 लाख का आईफोन लेकर आते हैं, अब नॉर्मल फ़ोन में भी वही काम होगा, आईफोन में भी वही काम होगा, उसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट, कॉस्टली है कोई काम नहीं आना, 10,000 के फ़ोन में भी वही होगा, उसमें भी वही होगा, उसमें भी आपको बात ही करनी है। समथिंग कॉस्टली बट यूजलेस, ही इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन द बिजनेस
एंड इट्स टर्न इनटू अ वाइट एलिफेंट, मतलब कुछ भी निकल कर नहीं आया, सब कुछ बर्बाद हो गया। विंडफॉल, विंडफॉल का मतलब होता है अचानक से धन संपदा हाथ लग जाना, उसको बोलते हैं विंडफॉल। जैसे कई बार हम देखते हैं कोई अचानक से अमीर हो गया, उसको क्या बोलेंगे, विंडफॉल। अचानक से कोई कुछ हुआ उसके साथ, विंडफॉल उसके साथ हो गया, उसको बोलेंगे। टू गेट सडन वेल्थ, द मनी गिवन बाई मिनिस्टर वॉज रियली ए विंडफॉल फॉर द पुअर मैन। कोई गरीब आदमी है, उसको मंत्री ने काफ़ी सारा पैसा दे दिया, तो उसके लिए विंडफॉल हो गया। वैसे आजकल कोई मंत्री ऐसा कुछ काम कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बोला जा सकता है विंडफॉल का मतलब अचानक से कोई कहीं से कुछ हाथ लग जाना, अचानक से पैसे वाला हो जाना, उसको विंडफॉल बोलेंगे। योमैन सर्विस, योमैन सर्विस, एक्सीलेंट वर्क, शानदार सर्विस, उसको बोलते हैं योमैन सर्विस। ही डिड अ योमैन सर्विस टू डेवलप द स्कूल, स्कूल को डेवलप करने के लिए उसने एकदम परफेक्ट काम किया है, योमैन सर्विस की है। ऑन द कार्ड, ऑन द कार्ड, अगर कार्ड में ही लिखा हुआ है तो निश्चित है, जैसे आपकी किसी की शादी है, ऑन द कार्ड, कार्ड में लिखा हुआ है तो निश्चित है आपकी शादी है। ऑन द कार्ड का मतलब क्या हो गया, सर्टेन होना, निश्चित होना। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, उसका प्रमोशन हो गई, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, निश्चित है। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, हम म्यूजिक कब सुनते हैं, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो फेस द म्यूजिक का मतलब हो जाएगा टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। ही फेस द म्यूजिक फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, गलत काम किया उसके लिए फेस द म्यूजिक हुआ, उसके लिए उसको सहना भी पड़ा। पुट अप विद, पहले भी मैंने आपको बताया है, पुट अप विद, आई कांट पुट अप विद यू, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, पुट अप विद, साथ आएगा पुट अप विद। कुछ जैसे प्रीपोजिशन भी होते हैं जो साथ ही यूज होते हैं, जैसे अपस्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, यू शुड अपस्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। यू शुड अपस्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। यू शुड अबाइड बाई रूल्स एंड रेगुलेशन, अबाइड के साथ हमेशा बाई आएगा, आपको हमेशा नियमों की पालना करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रीपोजिशन है, फिक्स होते हैं, एग्जाम में भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, एग्जाम में जाओगे तो डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा कर देगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, जैसे माइंड ओपनिंग द डोर, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, पूछते हैं एरर बताओ, माइंड ओपनिंग द डोर, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, माइंड के बाद में जीरेंड आएगा तो ओपनिंग ही होगा। माइंड ओपन द डोर गलत होगा, माइंड ओपनिंग द डोर सही हो जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कॉमन एरर हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पुट अप विद का मतलब हो गया बर्दाश्त करना, एंड्योर। लीप्स एंड बाउंस, लीप्स एंड बाउंस, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आप सक्सेस भी हो जाओगे, लीप्स एंड बाउंस बोलते हैं उसको। आर प्रोडक्शन इज इम्प्रूविंग बाई लिप्स एंड बाउंस, हार्ड एंड फास्ट, एकदम स्ट्रिक होना, हार्ड एंड फास्ट बोलते हैं उसको। ही हैज़ टू अबाइड बाई, देखो मैंने भी आपको बताया था अबाइड के साथ बाई आता है, तो बाई यूज हो रहा है। ही हैज़ टू अबाइड बाई द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी, अगर इसी तरह के रूल आप लाइफ में यूज करोगे, हार्ड एंड फास्ट रूल, तो आप सक्सेस भी होगे, सफल भी होगे। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ओकेजनली कोई जो काम हो रहा है उसको बोलेंगे ऑफ एंड ऑन। शुभम स्टडीज ऑफ एंड ऑन, शुभम स्टडी तो कर रहा है लेकिन ऑफ एंड ऑन कर रहा है, रेगुलर नहीं कर रहा, उसको बोलेंगे ऑफ एंड ऑन। अगर आप भी ऑफ एंड ऑन स्टडी करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगे, स्टडी रेगुलर करोगे तो सिलेक्ट होगे। गोइंग प्लेसेस, किसी को आशीर्वाद देते हैं हम, गोइंग प्लेसेस मतलब आप सक्सेसफुल हो लाइफ में, आगे बढ़ो, गोइंग प्लेसेस। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। अगला है एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है किसी का जो निजी स्वार्थ होता है उसे हम बोलते हैं, खुद का स्वार्थ उसको बोला जाता है। आई हैव एन एक्स टू ग्राइंड विद हिम, उससे मुझे कुछ निजी स्वार्थ है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो आप इसका आंसर भी दे दोगे, ईट
हम्बल पाई, कोई आपने गलती की उसकी माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज करना। व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ही हैड टू ईट हम्बल पाई, जब उसको पता लगा कि उसने गलती की है तो उसने ईट हम्बल पाई किया, गलती के लिए माफ़ी मांगी। अगला है होप्स एंड चॉइस। होप्स एंड चॉइस मतलब आपके पास देखा जाए तो कोई चॉइस ही नहीं है, इसको बोलेंगे होप्स एंड चॉइस। होप्स एंड चॉइस का मतलब नो चॉइस एट ऑल। ही वॉज गिवन होप्स एंड चॉइस बाई हिज बॉस, उसके बॉस के द्वारा उसको होप्स एंड चॉइस दिया गया, तो देखा जाए तो कोई चॉइस नहीं थी, उसको काम करना ही है। ए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं 5-6 दोस्त, तो आप तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है यार इसका सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये तो पढ़ता भी नहीं है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। अचानक आपको पता लगता है कि उसका सिलेक्शन हो गया, तो वो क्या निकला, छुपा रुस्तम निकला, डार्क हॉर्स निकला, उसको बोला जाता है छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स। आई थॉट ही डिंट पास द एग्ज़ाम बट ही टर्न आउट टू बी ए डार्क हॉर्स, हमने सोचा पास नहीं करेगा लेकिन पास कर लिया, तो वो क्या निकल कर आया, एक डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम निकला वो। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, अंत में भी क्या निकल गया, स्मोक निकल कर आया, धुआं, मतलब कुछ भी नहीं होना, नथिंग होना। हिज स्टोरी इज गोइंग टू एंड इन स्मोक, जैसे कई बार देखते हैं कुछ लोग कहानियाँ ही सुनाते हैं, खूब लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाते हैं, बिल्कुल हंसी नहीं आती है, ऐसे लगता है यार क्या सुना दिया, क्या निकला, कोई रिजल्ट भी नहीं निकला, उसको बोलते हैं टू एंड इन स्मोक। कई मूवी भी देखते हैं लास्ट तक समझ भी नहीं आती क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको भी बोल सकते हैं एंड इन स्मोक। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये भी हम देख चुके हैं, अगर वीडियो अच्छे से देखा तो आप आंसर दे दोगे, अचानक से कोई आपदा आ जाना, उसको बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अगला है हरक्यूलिन टास्क, मतलब हरक्यूलिन टास्क का मतलब हो गया ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत हो तब जाकर वो काम हो, गवर्नमेंट जॉब है उसको भी आप बोल सकते हो हरक्यूलिन टास्क है ये। नो डाउट इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट एंड हरक्यूलिन टास्क। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये भी बता चुका हूँ, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलरली काम करना, काम करना उसको वापस छोड़ देना, उसको बोलते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन स्कीम इसको वैसे बोला जाता है राम राज्य, जो कल्पना में बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, ऐसा हो वैसा हो, उसको बोलते हैं यूटोपियन स्कीम। अ यूटोपियन स्कीम फॉर गिविंग पेंशन टू ऑल ओल्ड पीपल ऑफ द कंट्री हैड बीन प्रपोज्ड बाई द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट कई यूटोपियन स्कीम लेकर आती है, आपके बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाएगा, पानी का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, सरकार आपके लिए ये योजना लेकर आ रही है, 10 लाख रुपए सभी के अकाउंट में आ जाएंगे, ये क्या होती हैं यूटोपियन स्कीम होती हैं, अपने को बहुत अच्छी लगती है और यार 10 लाख रुपए आएंगे, आता कुछ नहीं है, इसको क्या बोला जाता है यूटोपियन स्कीम बोला जाता है। थिंक ट्वाइस, थिंक ट्वाइस का मतलब होता है कोई काम करना सोच समझ कर काम करना, तो हम बोलते हैं कि एक बार और सोच लो, आपको अगर यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं थिंक ट्वाइस, एक बार और सोचो आपको यहाँ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, आराम से बैठ कर सोचो, थिंक ट्वाइस उसको बोला जाता है। टू कंसिडर केयरफुली बिफोर डिसाइड, थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू इट। स्पीक एंड स्पान, स्पीक एंड स्पान इन ऑर्डर, एकदम नीट एंड क्लीन होना, इन ऑर्डर में होना, सब कुछ परफेक्ट होना। शी हैज़ फिनिश्ड क्लीनिंग हर हाउस इज स्पीक एंड स्पान, एकदम क्लियर है हाउस, एकदम साफ सुथरा है। सी थ्रू, सी थ्रू देख लेना, सी थ्रू समझ जाना, सी थ्रू आर पार देख लेना, किसी चीज़ को समझ जाना। आई एम सरप्राइज्ड शी डजेंट सी थ्रू हिज लाइज, मतलब मैं यार सरप्राइज हूँ वो उसका झूठ देख कैसे नहीं पा रही है, सी थ्रू अंडरस्टैंड समझ क्यों नहीं पा रही है। अगला है निप इन द बड, बड हम बोलते हैं कली को, जैसे फूल खिलता है उसकी कली, निप इन द बड उसको कली को ही तोड़ देना, मतलब स्टार्टिंग में ही कोई काम खत्म कर देना। टू स्टॉप समथिंग एट द बिगिनिंग, स्टॉप कर देना उसको, रोक देना, शुरुआत में ही रोक देना, बिगिनिंग में ही रोक देना। A bad habit in a child should be nipped in the bud.
मतलब किसी बच्चे में कोई गलत आदत है उसको निप इन द बड कर दो, स्टार्टिंग में ही इनिशियल जो स्टेज है उसी में उसको आप ख़त्म कर दो, उसको बोला जाता है निप इन द बड। ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है। अगला है हेल्किन डेज, मतलब पीसफुल डेज होते हैं। एवरीबडी नीड्स हेल्किन डेज, सभी को पीसफुल डेज चाहिए, अच्छे दिन चाहिए। एट स्टेक, बता चुका हूँ, अच्छे से वीडियो देखा आपको आंसर आएगा। आर लाइफ इज एट स्टेक, एट रिस्क, दाव पर होना। हाई टाइम, हाई टाइम का मतलब होता है जैसे आप पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, आपको मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अब क्या हुआ आपका एग्ज़ाम आ गया, आपके केवल 15-20 दिन ही बचे हैं, तो अब ये आपके लिए हाई टाइम हो गया, तो बोलेंगे इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीज, अब तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए, पानी बोलते हैं ना सर से ऊपर निकल गया है, अब तो पढ़ ही लेना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड, हमेशा ध्यान रखना हाई टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड, स्टडी नहीं स्टडीड, अब ये टाइम आ गया, अब तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए, अगर अब भी नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, यहाँ पर हाई टाइम का हम यूज़ करते हैं। इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड। ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ, आई मेट हर फर्स्ट टाइम ऑन द ईव ऑफ माई फ्रेंड्स मैरिज, मेरे जो दोस्त की शादी थी तब मैं उनसे मिला, तो ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ। एट एन आर्म्स लेंथ, हम किसी को बोलते हैं ना इसे यार थोड़ी तो दूरी बना के रख, ये आदमी सही नहीं है, थोड़ी आर्म्स लेंथ रख, थोड़ी दूरी बना कर रख। ही हैज़ केप्ट हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ, मतलब जो उसके पुराने दोस्त थे सही नहीं होंगे, स्टडी नहीं करते देते होंगे उसको, तो उसको आर्म्स लेंथ पे रखा, कुछ उचित दूरी बनाकर रखा। अब अंतिम है अपने पास एट सी, एट सी का मतलब होता है वीक, एकदम कमज़ोर, एट सी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो समुद्र के पास में ही खड़ा रहेगा, क्योंकि वो कमज़ोर हो गया, एकदम दुबला पतला हो गया। When I asked him a question, he was at sea. जब उसको क्वेश्चन पूछा तो एकदम ऐसे हो गया जैसे हक्का बक्का सा रह गया, एकदम कमज़ोर सा पड़ जाने, ये क्या पूछ लिया मेरे से, उसको बोलेंगे at sea. अब ये 100 idiom और phrases हो गए, अच्छे से इनको करो, एक बार वापस रिपीट इनको कर लो। वीडियो आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करो, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको किया करो, क्योंकि मैं जो स्टडी कराता हूँ केवल स्टडी ही कराता हूँ। आपने देखा होगा पूरे वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसा नहीं बताया जो स्टडी से रिलेटेड ना हो, केवल पढ़ाई की बातें ही पूरे वीडियो में बताता हूँ, इसलिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करो, वीडियो लाइक किया करो। वीडियो लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है कि यार इतने लोग हैं जो हमें लाइक करते हैं, तो वीडियो आप लाइक ज़रूर किया करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आए आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। ऐसे ही आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी, काफ़ी PDF वहाँ पर मैं उपलब्ध करवाता हूँ, साथ ही कुछ नोट्स होते हैं वो भी वहाँ पर मिल जाते हैं, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है वो वहाँ पर मिल जाती है। तो डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें, जिसने ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी जल्द खरीद लें, उस आज आपको 99 में वो मिल जाएगी। धन्यवाद।